या चेयरमैन समझ ले वो बनाना है। अगर आप लोगों ने डायरेक्ट खुद ही बनाना है तो फिर ये इलेक्शन आप लोग क्यों करवाते हैं? फिर हम जैसे नौजवानों को आप लोग सड़कों पे क्यों निकालते हैं? फिर हम जैसे नौजवानों को ये तसल्ली क्यों देते हैं कि ये जमहूरी मुल्क है, इसकी असेंबली है, इसका इलेक्शन कमीशन है, इसकी अदलिया है, इसका आर ओ है, डी आर ओ है। सर आपको पता नहीं है कि क्या हुआ है? सर 4 बजे रात को इधर मियां खान को ये लोग नहीं लाए, ISI का कर्नल इनके साथ नहीं था। अगर नहीं था तो आप बताएं, कसम खाए मैं तो कुरान पे हाथ रखने के लिए तैयार हूँ कि इस गेट पे 4 बजे रात को मियां खान के साथ ISI का कर्नल था, इसके साथ FC का मेजर था। नहीं था तो आप बताएं सर, आप लोग सारे ऑफिसर थे कि नहीं? सर मुझे सिर्फ एक लफ्ज में जवाब दे, नहीं वो मैं सिर्फ आखिर में आप कर दें, सिर्फ मैं एक लफ्ज इसका जवाब मैं बात करूंगा, आया था या नहीं? आप अपनी कंप्लीट करें। 4 बजे रात को ये यहाँ गुस्सा था, रात को मेरे पास यहाँ कोई आए तो बोला था यार आप ISI के कर्नल के साथ या मेजर के साथ या उनके साथ बिला वजह उलझे, उनका क्या क्या काम है इस चीज़ के लिए? मैंने बोला हाँ, वो रात को 4 बजे इधर कमिश्नर ऑफिस में DRO RO ऑफिस में लिडो खेलने आए थे, गुल्ली डंडा खेलने आए थे, क्या प्रोसेस चल रहा था यहाँ उसके लिए आए थे ना। ISI का कर्नल का ये काम है कि वो आके हमारे इलेक्शन को मैनेज करे, हमारे नतीजों को बदली करे। अगर इस फॉर्म 45 के मुताबिक मैं विनर हूँ तो सर मुझे जारी करे रिजल्ट। अगर मैं विनर नहीं हूँ तो मैं आप सबसे फिर माजूरत मांगने के लिए भी तैयार हूँ, मेड़ मारके के लिए भी तैयार हूँ। मैं कानून पसंद शहरी हूँ, मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, मैं रूल ऑफ लॉ पे बिलीव रखता हूँ। मैं किसी ऐसे उस पर बिलीव नहीं रखता हूँ जो गलत रास्ते है। अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ ये भी मेरा एक जमहूरी हक है, अगर मेरा जमहूरी हक नहीं होता मैं यहाँ भी नहीं बैठता। अगर आप मुझे ये गारंटी दे सकते हैं कि आप फॉर्म नंबर 45 के मुताबिक मुझे रिजल्ट दे सकते हैं, मैं आपके साथ अपने तमाम साथियों के मुशावरत के बाद, एडवांस में नहीं ना, अभी हम आपको फाइनल जवाब देंगे जो होगा। सर आपके बुलाने का मकसद ये है कि आप हमारे मसले को सुने ना, ये तो मकसद नहीं कि आप सिर्फ हमें यहाँ से निकाले। आप मुझे मुतमईन करेंगे सर, आप भी इस मट्टी के हैं, मैं भी इस मट्टी का हूँ, मैं भी इस मट्टी का हूँ। जब तक मुझे हक नहीं मिलेगा ना, मैं किसी भी जमहूरी प्रोसेस से पीछे नहीं हटूंगा।